तो आ गए, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं कि बेस्ट मिड रेंज प्रोसेसर कौन सा है। पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था मीडियाटेक हीलियो G90 और G90T के साथ स्नैपड्रैगन 730 का डिफरेंस, और स्नैपड्रैगन और हीलियो के पूरे जो प्रोसेसर रेंज है उन सारे प्रोसेसर का डिफरेंस। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि जितने भी मिड रेंज प्रोसेसर है, मतलब किरिन प्रोसेसर, हीलियो प्रोसेसर और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, इन तीनों में से सबसे बेहतर मिड रेंज प्रोसेसर कौन है। और हमारा आज प्रायोरिटी है किरिन 810 वर्सेस हीलियो G90 वर्सेस स्नैपड्रैगन 730, और देखेंगे कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो चलिए शुरू कीजिए आज का वीडियो बिना कोई वक्त गवाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी भी सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। पहले हम बात करते हैं हीलियो G90 और G90T के बारे में। दोनों ही प्रोसेसर 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बनाए। इस प्रोसेसर का दो हाई परफॉर्मेंस कोर कोर्टेक्स A76 के ऊपर और 6 लोअर फ्रीक्वेंसी कोर्स A55 कोर्स के ऊपर बना है। अगर हम स्नैपड्रैगन की बात करें, स्नैपड्रैगन 730 की बात करें, तो वो प्रोसेसर 8 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और वो भी बिल्कुल सेम A76 और A55 कोर्स के ऊपर बना है। अगर हम किरिन 810 की बात करें तो वो प्रोसेसर 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बना है और वो भी A76 और A55 कोर्स के ऊपर बना है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के GPU की बात करें तो जो हीलियो G90 और G90T है उसमें है माली G76 GPU जो कि 800 मेगाहर्ट्ज पर रन करता है। किरिन 810 की बात करें तो उस माली G52 MP6 GPU जो कि 850 मेगाहर्ट्ज पर रन करता है। और अगर हम स्नैपड्रैगन 730 की बात करें तो उसमें एड्रिनो 618 GPU जो कि मैंने एक जगह देखा कि 500 मेगाहर्ट्ज पर रन करता है, दूसरे जगह पे लिखा है कि 800 मेगाहर्ट्ज पर रन करता है। तो इसके ऊपर कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो हीलियो G90 और G90T प्रोसेसर है इसका फ्रीक्वेंसी है 2.05 गीगाहर्ट्ज, किरिन 810 का फ्रीक्वेंसी है 2.27 गीगाहर्ट्ज और स्नैपड्रैगन 730 का फ्रीक्वेंसी है 2.2 गीगाहर्ट्ज। अब हम बेंचमार्क स्कोर की बात करते हैं। आज हम AnTuTu बेंचमार्क स्कोर और Geekbench स्कोर की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोसेसर हर एक मामले में बेहतर है। तो पहले मैं बता रहा हूँ जो कि इन तीनों प्रोसेसर में से बेहतर है वो है किरिन 810, क्योंकि ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है और प्रोसेसर में आर्किटेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि ये जो लिखा है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर, मतलब एक प्रोसेसर करोड़ों ट्रांजिस्टर से बना होता है और ये जो 7 नैनोमीटर है मतलब दोनों ट्रांजिस्टर के बीच का गैप है। अब ऐसा सोचिए एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच का जो गैप है वो 12 नैनोमीटर है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस है। इसके लिए ज्यादा एनर्जी लगता है एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में डेटा पहुंचाने के लिए, मतलब बैटरी कंजम्पशन ज्यादा होता है, और एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर पर इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है, मतलब परफॉर्मेंस कम होता है क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए हीट भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो नैनोमीटर का मामला है ये आखिर क्या है। 12 नैनोमीटर मतलब एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर के बीच का गैप, और 7 नैनोमीटर मतलब एक से दूसरे का बीच का गैप। तो जितना कम होता है उतना बैटरी सेव करता है, उतना हीट कम होता है और उतना ही परफॉर्मेंस ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है इन तीनों प्रोसेसर में से किरिन 810 बेहतर होगा, क्योंकि AnTuTu बेंचमार्क स्कोर में इसका स्कोर आया है 237,000 के आसपास। जो सेकंड पोजीशन में वो है हीलियो G90 और G90T जिसका स्कोर है 222,000 के आसपास, और थर्ड पोजीशन में स्नैपड्रैगन 730 जिसका स्कोर है 210,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं किरिन 810 बेहतर है, दूसरा पोजीशन में हीलियो G90 और तीसरा पोजीशन में स्नैपड्रैगन 730। ऐसा होना चाहिए था कि हीलियो नीचे आना चाहिए था क्योंकि इसमें 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है, लेकिन स्नैपड्रैगन 730 में 8 नैनोमीटर प्रोसेसर है। लेकिन हीलियो के अंदर CPU और GPU एनहांसर लगा हुआ है, मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए इसका CPU और GPU को और भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम कभी भी एक बेंचमार्क स्कोर को देखकर किसी भी प्रोसेसर का जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस है उसे डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक दूसरा बेंचमार्क को देखेंगे जिसका नाम है Geekbench, और इसमें भी किरिन 810 पहले पोजीशन पर आता है क्योंकि किरिन 810 में सिंगल कोर परफॉर्मेंस है 2800 और मल्टी कोर का परफॉर्मेंस है 7800। अगर परफॉर्मेंस वाइज सेकंड पोजीशन में आए तो इसमें भी हीलियो G90 सेकंड में आता है। इसका सिंगल कोर स्कोर है 2400, मल्टी कोर स्कोर है 7100, और थर्ड पोजीशन में जो कि स्नैपड्रैगन 730 अगर उसका स्कोर को देखें तो सिंगल कोर में 2500 और मल्टी कोर में 6900। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बेंचमार्क सॉफ्टवेयर में किरिन 810 पहला पोजीशन, हीलियो G90 दूसरा पोजीशन और स्नैपड्रैगन 730
तीसरा पोजीशन पे आता है। ये जो प्रोसेसर है कौन कौन से स्मार्टफोन के अंदर है, स्नैपड्रैगन 730 जिस स्मार्टफोन के अंदर लगा है और सबसे चीपेस्ट प्राइस है वो है Redmi K20 जो कि 22,000 रुपए में आता है। अब हम बात करते हैं Kirin 810 जो कि Huawei 9X और 9X Pro में लगा हुआ है और वो बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और जो Huawei 9X है उसका स्टार्टिंग प्राइस है चाइना में 13,991, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 15,000 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बेहतर मिड रेंज प्रोसेसर हमें मिल सकता है 15,000 रुपये से। तो हम इससे ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हीलियो का प्रोसेसर होगा, अगर इन दोनों प्रोसेसर के कम्पीट करना है तो अपना प्राइस 15,000 से 22,000 के बीच में रखना होगा या फिर इससे कम रखना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इन तीनों प्रोसेसर में से कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो आज का वीडियो यही तक, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।